हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं पार्ट 5 में, डे नंबर 5, जिसका टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन नंबर का ऐड और सबट्रैक्शन आपको जैन सर ने बताया होगा, उन्होंने आपको ऐड और सबट्रैक्शन दोनों अच्छे से समझा दिए थे, लेकिन उन्होंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए थे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी दूंगा और साथ में जो ऐड और सबट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस दूंगा और फिर मल्टीप्लाई के भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। लेकिन अब जैन सर ने आपको फ्रैक्शन नंबर समझाया था, तो मैं फ्रैक्शन नंबर दोबारा से आपको छोटे तरीके से समझा था, जिससे और अच्छे से समझा। उन्होंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझा दिया था, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको फ्रैक्शन नंबर थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर ऐड, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लाई तीनों चीज करेंगे अच्छे से अच्छे, ठीक है। तो और बच्चे जो भी पहले आते हैं, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। जो नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, हम कंटिन्यूसली आपको कंटेंट देते रहे, ठीक है भी? तो फ्रैक्शन नंबर, तो सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर अगर होता क्या, तो मैं यहाँ पे एक दो संख्या लिखता हूँ। फ्रैक्शन नंबर को हम बोलते हैं भिन्न संख्या। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या हमारे को, तो जो वह संख्या जिसको हम बट्टी के रूप में लिख देते हैं, तो हमारे हो गए भिन्न संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 3, ठीक है भाई। तो भिन्न संख्या वह संख्या जिनको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसके अंदर जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश को इंग्लिश में हम नोमिनेटर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर भी बोलते हैं। तो जो आपको सही लगे वो हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा नोमिनेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। तो इसको ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। संख्या को पढ़ेंगे कैसे, ये 5 इसको बोलते हैं बटा, और ये हो गया हमारा 8, 5/8। अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो 5 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5। इसको क्या बोलते हैं, बटा को बाय, BI, और इसको क्या बोलते हैं, 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5/8, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, अब इसको पढ़ना है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 7/4, 7/4। आगे बस समझे, तो सबसे पहले आपको संख्या पढ़ने आनी चाहिए कि आखिर संख्या हमें जो सामने लिखी हुई है क्या है क्या नहीं। ये हो गया हमारा 7/4, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 7/4। उसी तरह एक और आती है हमारी संख्या मिश्र भिन्न संख्या, मिश्र भिन्न संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, ठीक है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। एक तो भिन्न संख्या हो गई जो मैंने आपको बटे में लिखना बता दी, 5/8, 7/4 हो गया हमारा भिन्न संख्या, ठीक है। इसी के आगे इस तरह से लिखा हो, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न संख्या, इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/5/8, 3/5/8। इंग्लिश में पढ़ना हो तो 3 को क्या बोलेंगे, 3, सही को क्या बोलते हैं, राइट। तो 3/5/8, 3/5/8। और फिर हम इस मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करते हैं, किसमें करते हैं, भिन्न संख्या में। मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है भाई। ये मेरा अंश है, ये मेरा हर है, और ये मेरा पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तो हर को पूर्णांक से गुणा करेंगे और फिर ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 8 को 3 से गुणा कर दिया तो 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 24, और फिर इसके अंदर हमने 5 जोड़ दिया, अंश को जोड़ देना। तो 24 × 5 कितना हो गया, 29, तो हमारा हो गया 29/8। तो इस तरह से हम मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे 7/4 है, 5/8 है। तो इस तरह से मैंने जिस तरह से मिश्र भिन्न को भिन्न में बदला है, भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो भाई ये बटे वाली संख्या फ्रैक्शन नंबर हो गया, भिन्न संख्या बटे में लिखा है 29/8। अब इसको किसी ने कह दिया आपको भिन्न मिश्र भिन्न संख्या में लिखो, तो इस बटे का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग। तो अगर मैं नीचे वाली संख्या जो 8 है इसको मैं 29 से भाग देता हूँ, 8 × 3 = 24, कट गया, 9 × 4 = 5। तो इस तरह से संख्या आ गई। तो जो हमारा भागफल होता है, जो मेरा भागफल आया उसको तो हम लिखते हैं सबसे आगे, ठीक है। फिर जो शेषफल है वो मेरा सबसे ऊपर, और जिससे हमने भाग दिया उसको, तो इस तरह से ये देखो
पूरा एग्जैक्ट सेम आया कि नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। बस छोटी सी चीज है कि अगर मेरा हर बड़ा हो तो इस भिन्न में नहीं बदलेगा। जैसे इस 5/8 लिखा हुआ मैंने, भाई 5/8, अब आपसे कहे कि इसको भिन्न मिश्र भिन्न में बदल के बताओ, तो कैसे बदलेंगे भाई? हम 8 का 5 में भाग देंगे, उल्टा मत कर देना। बच्चे बहुत से गलती ही करते हैं कि हाँ भाई सर ने कहा कि भाग देना, भाग देने का मतलब क्या? भाग देने का मतलब ये कि इस 5/8 का मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसको भाग देना ऊपर वाली संख्या से, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 बड़ा है 5 छोटा, तो इसका मतलब ये नहीं का 5 को 8 से भाग दे रहे, नहीं, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से हमें भाग देना है, सिंपल सा। तो 8 को 5 से भाग देंगे तो 8 से 5 का भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम उसका मिश्र भिन्न नहीं बना पाएंगे। तो मिश्र भिन्न उसी का बनाएंगे जिसका हम यहाँ पे भाग दे पाए, ठीक है। आगे बात समझ रहे, तो इसको मैंने यहाँ पे दो तीन चीजें समझाई, उसको अगर हम समअप करें तो दो तीन चीजों में समअप कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर, कि फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिनको बटे के रूप में लिख सके, ठीक है। फिर मैंने आपको दो संख्या बताया, दो फ्रैक्शन नंबर बताया, भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जो इस तरह से संख्या बटे में 5 और 8, ठीक है भाई। जैसे ये हो गया 7/4, ये हो गया 29/8, ये हो गया हमारे पास भिन्न संख्या, ठीक है। और मिश्र भिन्न संख्या कौन सी हो गई? 3 सही 5/8, मैं और लिख देता हूँ, 4 सही 3/2, ठीक है भाई, 4 सही 3/2, ये क्या हो गया हमारा मिश्र भिन्न संख्या हो गया। इसको भिन्न में बदल रहा हूँ, किसमें बदल रहा हूँ? भिन्न में, तो 4 नीचे हर को भिन्न संख्या सॉरी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 और उसमें 3 जोड़ देते कितना 8 और 3 = 11। आगे बस समझे, तो ये हो गया मेरा 11/2, 11/2। आगे बस समझे, तो ये हमारा मिश्र भिन्न हो गया, ये हमारा भिन्न हो गया। आगे बात समझ अच्छी तरह से। तो अब हम इसके एड और सबट्रैक्शन आपको समझाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को प्लीज जरूर करें, और जो बच्चे नहीं कर पाए जिनको वीडियो समझ में नहीं आते वीडियो को पॉज करके थोड़ा और पीछे जाकर जिससे कि उसको अच्छे से समझा पाए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता आप लोगों को तो कमेंट करा करो, हम किसी दिन लाइव क्लास लेंगे संडे वाले दिन जब भी आप लोग फ्री होते हो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझाया जाए, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे इन सबको मिटा के मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी उतार लो, उतारते जाओ साथ साथ, ये भी 4 क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। आई होप एक क्वेश्चन होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या फायदे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आई थिंक बहुत है क्योंकि मैं इसके अंदर ही काफी चीजें करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन 4 क्वेश्चन के अंदर करना क्या आपको, एक तो पहला काम करना है कि सभी के अंदर आपको भिन्न और मिश्र भिन्न संख्याएं अलग करनी है, संख्याएं अलग करनी, ठीक है। मिश्र संख्या, मिश्र भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्या आपको सभी को अलग अलग करनी है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, ठीक है भाई। भिन्न संख्या, मिश्र भिन्न संख्या ये अलग अलग करनी है। माइक हमने चेक नहीं किया था तो शायद अब आपको आवाज़ अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैंने उस समय माइक चालू नहीं किया था, माइक मेरा बंद था, मैंने तो खाली इसको माइक को चालू किया जेब में रख दिया, लेकिन माइक चेक किया उसके बाद हमें पता चला कि माइक ही बंद था। अब माइक चालू है तो अब आपको आवाज़ साफ़ आ रही होगी, इससे पहले साफ नहीं आ रही होगी, वो प्रिंस ने नालायक ने चेक नहीं किया तो उसके बाद में कुटाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन के अंदर भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्या, भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्याएं अलग अलग करनी है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको एक तो 4 क्वेश्चन उतार लेना है, 4 क्वेश्चन उतारने के बाद सबसे पहले पहला क्वेश्चन उतारोगे, पहले क्वेश्चन के नीचे लिखोगे भिन्न संख्या, ठीक है, इस तरह भिन्न संख्या लिख दिया, ठीक है भाई, उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। भिन्न संख्या लिख दे, इसके बराबर में आपके इस चारों इस सभी इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो जो सी आपकी भिन्न संख्या है, जो जो आपकी भिन्न संख्याएं हैं उसको नोट करना है भाई। जैसे मान लो यहाँ पे भिन्न संख्या कौन सी है भाई, दीपक बताओ इसमें से फटाफट भिन्न संख्या कौन सी है? 7/3, पूरी लाइन में बताना है, मैंने आपको कहा कि भिन्न संख्या
और मिश्र भिन्न संख्या अलग अलग करनी है, ठीक है। तो भिन्न संख्या कौन सी मेरी, एक तो 7/3 हो गई और 5/2, 5/2, 5/2। अरे बैठे बैठे बता दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 18/3। तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने समझा था कि भिन्न संख्या लिखो, बराबर करो, और उसके बाद जो जो भिन्न भिन्न संख्या, जैसे दीपक ने बताया बहुत अच्छा कि सर 7/3 भिन्न संख्या हो गई, 5/2 भिन्न हो गई, 18/3 भिन्न हो गई। तो इस तरह से भिन्न संख्या लिख दिया, उसी के नीचे अब आपको मिश्र भिन्न लिखना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ये इसलिए मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मिश्र भिन्न संख्या, आप दीपक बताओ मिश्र भिन्न संख्या इसमें कौन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना, सभी में दोनों है, भिन्न संख्या भी और मिश्र भिन्न संख्या दोनों ही लिखना है। अब मैं आप दीपक से पूछूं, दीपक इसमें से मिश्र भिन्न संख्या कौन कौन सी है, कितनी है पहले ये बताओ। दो। कौन कौन सी? 3/4/5 हिंदी में बोलोगे तो 3 सही 4/5 और दूसरी 1/3/4 वेरी गुड, 1/3/4 ये मेरी मिश्र भिन्न हो गई। तो इसी तरह से आपको चारों क्वेश्चन के अंदर भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्या अलग अलग करके लिखनी है। ये तो हो गया पहला काम, ठीक है भाई, समझ के पहला काम। उसके बाद दूसरा काम, ठीक है, मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न में बदलना है और भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। अब जैसे मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे भिन्न संख्या लिख दी कि भाई भिन्न संख्या है मेरी 5/2, 4/3 और 7/2। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और भिन्न संख्या हो गया मेरी 2 सही 3/4, 1 सही 1/4, ये मेरी मिश्र भिन्न संख्या हो गई। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद इसी क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसी क्वेश्चन का मैंने भिन्न संख्या लिख दिया और मिश्र भिन्न संख्या लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को मेरे को दोनों को बदलना है, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है और मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे भिन्न संख्या लिखा है, तो भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पे लिख देना भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे भिन्न से मिश्र भिन्न संख्या, इस तरह लिखोगे भिन्न से मिश्र भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या जैसे मैंने यहाँ पे भाई मैंने एग्जांपल ले लिया कि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन ही है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपने भिन्न संख्या सारी लिख दी, ठीक है, फिर उसके बाद मिश्र भिन्न संख्या सारी लिख दी ढूंढ ढूंढ के। अब मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैंने कहा कि इन सभी को बदलना, भी भिन्न को मिश्र में और मिश्र को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न को मिश्र, तो यहाँ पे मैं भिन्न संख्या 5/2, 4/3 और 7/2, अब इन सभी को एक एक करके सबको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो जैसे मैं पहले 5/2 है, तो पहले 5/2 को बदलूंगा। तो बदलने का तरीका क्या बताया मैंने, भाई 5/2 है तो इसका मतलब ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब इसमें जो नीचे वाली संख्या उसको भाग देना होता है, तो ये काम रफ में करना, ये काम रफ में करना कि 2 का भाग मैंने 5 में दे दिया, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, कितना आ गया 1। अब इसको भिन्न संख्या बदलेंगे, तो ये सबसे आगे भागफल, फिर उसके बाद आ जाएगा ऊपर शेषफल, और नीचे हमने जिससे भाग दिया है वो, मतलब कि इसका फाइनली मेरे पास मिश्र भिन्न संख्या क्या आ गया, 2 सही 1/2, 5/2 का 2 सही 1/2। तो ये काम आप इधर बगल में भाग का कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 2 भाग में 5, तो 2 दूनी 4, जिससे कि अच्छी तरह से हमें पता चले कि आया कहाँ से। इस तरह से आपको भिन्न को मिश्र में बदलना है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद दूसरा करोगे, 4/3 है तो 3 भाग में 4 करेंगे, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन नंबर बनाएंगे मिश्र भिन्न संख्या, तो 1 सबसे आगे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बचा तो 1 ऊपर और नीचे 3 आ गया, तो नीचे 3, ये बन गया मिश्र भिन्न संख्या, ठीक है भाई। इस तरह से संख्या बदलनी, जैसे अब 7/2 है तो 7/2 अगला क्वेश्चन लिख दिया, मतलब कि 2 का भाग में देना है 7 से, तो 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, ठीक है भाई, आगे बस समझो। फिर मिश्र भिन्न बदल, 3 सबसे आगे, यहाँ पे 1 है 1 और यहाँ पे 2 बचा तो 2, तो इस तरह से भिन्न को मिश्र भिन्न संख्या में बदलना है, ठीक है। आगे बस समझ में नहीं आया, वीडियो पॉज करो थोड़ा सा और पीछे जाओ। तो ये तो हो गया भिन्न से मिश्र भिन्न, मैंने इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया। अब मेरे पास जो मिश्र भिन्न है उसको किस में बदलूंगा, भिन्न में। तो लिखना है आपको कैसे, भिन्न से मिश्र भिन्न हो गया, आप क्या लिखोगे भाई, मिश्र भिन्न से भिन्न संख्या, ठीक है भाई, मिश्र भिन्न से भिन्न संख्या। यहाँ से लेते हैं तो 2 राइट 3/4 है, 2 राइट 3/4, अब इसको
ये मिश्र भिन्न हमने बना लिया, मिश्र भिन्न बनाना सीख गए। अब मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो चार दूनी आठ और प्लस तीन। तो आप लिखना सीधा सीधा, डायरेक्ट मत करना, पहले इसको इसको गुणा करने को कहा मैंने, तो चार गुणा में दो और ऊपर वाली संख्या तीन ऐड करना है, तो बट्टे में प्लस में तीन, अब बट्टे में चार है तो चार, फिर लिखो चार दूनी आठ, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह बट्टे में चार, इस तरह से लिखेंगे। आगे बस समझ में, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, वन राइट वन बाई फोर, मैंने क्या कहा हर को पूर्णांक की संख्या से गुणा करो, तो एक गुना में चार और फिर ऊपर वाली संख्या में जोड़ दूँ, ठीक है भाई, और बटे में चार, तो एक को चार से गुना कर दी, चार एकम चार, और फिर इसमें हमने एक जोड़ दिया तो कितना हो गया पाँच बटे में चार। तो इस तरह से आपको इन चारों क्वेश्चंस के अंदर, इन चारों क्वेश्चंस के अंदर भिन्न संख्या और मिश्र भिन्न संख्या इन सबको अच्छे से करना है, ठीक है भाई। तो ये आपका टास्क हो गया, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो इसके बाद फ्रैक्शन नंबर का अगला पार्ट मैं दोबारा समझा दूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको लिए कुछ क्वेश्चंस और बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आ गया तीन बट्टे में दो, एक सौ अट्ठारह बट्टे में तैंतीस, ये आ गया पाँच सही सात बट्टे में आठ, इसको और बड़ा कर देते हैं इकहत्तर, ये आ गया चौदह चौंतीस, यहाँ पे ग्यारह पंद्रह बट्टे में दो, ये अगली संख्या हो गई। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, पांच क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम करना है आपको इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये भिन्न संख्या का आपका बेसिक हो गया, ठीक है भाई, फ्रैक्शन नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको कई बच्चों को नहीं समझ में आया क्योंकि आपके जैन सर ने आपको डायरेक्ट जोड़ समझा दिया था, घटा समझा दिया था, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो, तो पहले आपको ये करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको उस वाली वीडियो में जो जोड़ घटा सिखाया गया वो करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो पीछे जाओ, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और या कमेंट करने के बाद आप स्कूल में बता सकते हो कि सर हमें संडे के दिन लाइव क्लासेस दिया जाए। तो लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग अपनी कॉपी लेके बैठोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आप लोग आंसर अपने फ़ोन में टाइप करोगे, और मैं बकायदा उनका नाम लेके यहाँ पे बताऊंगा कि हाँ इन बच्चों ने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, वहाँ पे आपने क्वेश्चन किया, डायरेक्ट आंसर टाइप किया, जिससे कि हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने अच्छे से काम किया है, ठीक है भाई। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और जो बच्चों ने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, और इंस्टा का और एफबी का नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, इंस्टा पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लेकिन प्लीज़ क्वेश्चंस को जरूर करो, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।